बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। साइमा के किचन में खुश आमदीद। जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीवर्स, आज मैं बनाने लगी थी बड़ा गोश्त, बीफ बकरे का गोश्त। ये 1 kg है। तो ये मिट्टी की कुंडी है, इसमें सारे मसाले हम लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट बना के दही डाल के काली मिर्च नमक और मसाला डाल के इसको हम रख देंगे कोई 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम पकाएंगे। ये बड़ा मज़े का बड़ा लजीज गोल बनेगा। आज कुंडी में हम बनाते हैं अपनी हांडी का मसाला तैयार करते हैं। तो इसको हम बारीक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाने साइज का मैंने टुकड़ा लिया था इसका, अदरक का, और लहसुन था, लहसुन की तूड़ियाँ थी। ये फ्रीज़र के टमाटर हैं वीवर्स, और बड़ी जल्दी ये बारीक हो जाते हैं। और वीवर्स, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, वॉच करते हैं, अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया जाके खुशियों से मालामाल करे, जान माल दौलत औलाद में बरकत अता फरमाए। और आप मुझे बताते भी हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो वीवर्स, मेरी बाकी वीडियोस को भी जाके वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएँ कि वो आपको कैसी लगी। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे सपोर्ट करने का। अब वीवर्स, इसमें शामिल कर देंगे हम दही। दही शामिल कर दिया, और 1 चम्मच नमक हसबे जायका। वीवर्स, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। वीवर्स, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। वीवर्स, 1 चम्मच ये पिसा हुआ सूखा धनिया बड़ा भर के चम्मच। वीवर्स, ये 1 चम्मच बड़ा जीरे का शामिल कर देंगे इसके अंदर। और वीवर्स, इसमें धनिया के पत्ते मैंने डाल दिए। इनको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। और इसमें शामिल कर देंगे ये बीफ का गोश्त। ये 1 किलो है। अभी मिक्स कर लेंगे मसाले में अच्छी तरह से। और इसको हम रख देंगे कोई 1 घंटे के लिए। आप 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ 1 घंटा रखूँगी इसको मैरिनेट करके। ये बड़ा ही लजीज, बड़ा ही मज़े का आपको ये इसका टेस्ट आएगा। और बहुत ही मज़े का, बड़ा ही लजीज, बड़ा ही टेस्टी ये बकरे का गोश्त, उसका गाय का गोश्त बनेगा, बीफ का गोश्त। इसको ढाँक के अब हम रख देंगे
वीवर्स, ये देखे मिट्टी की हांडी, इसमें ये प्याज दो अदर लिए थे मैंने, एक बड़े साइज़ में और एक मैंने लिया था छोटा दरमियाने साइज़ का। इस साइज़ इस तरह के काट के हम इस हांडी में शामिल कर देंगे प्याज, और इसमें सारा मसाला हम डाल लेंगे जो हमने ये मैरिनेट किया था बीफ के गोश्त का। तो इसको घंटा हो गया इसके में डाल के, तो मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, और सब अज़ मिर्च हम लास्ट में डालेंगे जब इसकी हम भुनाई करेंगे गोश्त की। तो इसको अब हम चूल्हे पे हांडी में डाल के, तो चूल्हे पे इसको चढ़ा देते हैं। बस इसमें हम दो गिलास पानी शामिल करेंगे। और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको फिर हम पकाएंगे। बस ये देखें आँच ऑन करके नॉर्मल, तो इसको हम ढाँक के पकाएंगे, और इसको अब हम हल्की आँच पे ही पकाएंगे। तो जब तक ये गलता नहीं तब तक इसकी हम आँच पे तेज़ नहीं करेंगे। तो इसको इसी तरह हमने ढक कर पकाना है मिट्टी की हांडी में। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा और बड़ी मज़े का ये गोश्त बनेगा, बीफ की हांडी गाय का गोश्त टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। इसको हम चेक भी करते रहेंगे साथ साथ। Thank you.
वीवर्स, ये मैंने मिर्चों को कट लगा लिया, तो इनको हम इसमें शामिल कर देंगे। 6 अदद मिर्ची हैं, हांडी में हम शामिल कर देंगे अभी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा गोश्त लग रहा है। इसकी ग्रेवी देखें व्यूअर्स, कितनी मज़े की तैयार हुई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मिट्टी की हांडी में और उसी मिट्टी की कुंडी में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा, और मिट्टी की हांडी में इसको मैंने बनाया, और इसका टेस्ट, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत अलग होगी। जैसे कि हम स्टील के बर्तनों में बनाते हैं, सिल्वर के और सिल्वर स्टील के बर्तनों में बनाते हैं, उनसे बड़ा इनका मुख्तलिफ टेस्ट होगा। आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर मेरी रेसिपी को, और बताइएगा बना करके आपको कैसी लगी। बिकॉज ये देखें इसमें हम घी शामिल कर रही हूँ मैं, तो इतना ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त का ख़ुद भी घी होता है अपना, इसका ऑयल निकल आता है गोश्त के अंदर से। अब ये बीफ है, छोटी वाला बीफ था मेरे पास, तो 2 चमचे भर कर मैंने डाल दिए, और ये बहुत है घी, ये देखें ऑयल इसके अंदर माशाल्लाह से। मज़ीद मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। वीवर्स अब इसमें शामिल कर देंगे कलौंजी का 1 छोटा चम्मच, वीवर दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 अदद दाल, ये इलायची हैं, और 2 अदद इलायची हैं बड़ी, और 3-4 टुकड़े मैंने उसके लिए दालचीनी के, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये बस ये गरम मसाला है, इसको भी शामिल कर देंगे। 1/2 चम्मच लिया मैंने छोटे वाला, जिसकी हम भुनाई कर लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। गोश्त भी हमारा गल गया होगा वीवर्स। वीवर्स जब तक हमारा ये गोश्त रेडी होता है, तो साथ साथ इसकी भुनाई करते हैं, और साथ ये पत्ते धनिया के थोड़े से तोड़ लेते हैं हांडी में डालने के लिए। बीच में शामिल करेंगे ये धनिया, जिसमें हम ये डाल देंगे अदरक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखें देखने में भी कितना टेस्ट और कितना मज़े का लग रहा है वीवर्स हमारा गोश्त, हांडी गोश्त। तो ये देखें वीवर्स, और वीवर्स अब मुझे ज़्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिएगा, और ये पसंद आए मेरी हांडी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये हांडी कैसी लगी। और बहुत सारी दुआओं के साथ अब मुझे दें इजाज़त, और मुझे रखें आप दुआओं में याद, और मैं आपको अल्लाह ताला हम सबको दुनिया जाकर खुशियों से मालामाल करे, जान माल दोनों तरह दोनों बरकतें अता फरमाएं, और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ वीवर्स।